कुछ महीने पहले मैं एक वीडियो बनाया था नोट वीडियो एडिटर के ऊपर और मैंने उसमें बताया था आपको कलर ग्रेडिंग के बारे में। और गाइस आप लोगों के हेल्प से उस वीडियो में 2K+ व्यूज आ गए हैं। आई मीन कम ही है बट अच्छा है, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही आ गया है। और मज़े की बात यह है कि अभी वो वीडियो टॉप 1 पर रैंक कर रहा है, जितना भी व्यूज आए बट टॉप 1 पर रैंक कर रहा है, खुशी तो होता है भाई। तो फिर सोल्यूशन दूंगा इस वाले वीडियो में, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं नोट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक मिनी मोड है और एक यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है। तो मिनी मोड आपको नहीं करना है अगर आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो, वैसे तो दिया है उसमें ऑप्शन बट आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको सिंपली आ जाना है न्यू पर। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अभी देख लो कुछ ऐसे ऐसे टूल्स है, यहाँ पर आपको देखने में तो एक बेसिक सा एप्लीकेशन लग रहा होगा बट ये बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर के साथ आता है। तो यहाँ पर देख लो आपको फर्स्ट में फाइल कैसे लोड करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको रूट दिख रहा है, उसके साइड में प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको मीडिया, टेक्स्ट, ग्रुप, 3D, शेप, एडजस्टमेंट लेयर, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको वीडियो एडिट करना है तो वीडियो पर क्लिक करना है। अगर आपको इमेज एडिट करना है तो इमेज को भी एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो पर क्लिक करता हूँ एंड दिखाता हूँ वीडियो एडिट करके। एक तो मैंने इस वाली वीडियो को कर लिया इंपोर्ट। और बता दूं गाइस कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, ये 4K 60 FPS का वीडियो है, आईफोन से रिकॉर्ड किया गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर प्रीव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं आने वाला है, बिकॉज नोट वीडियो में आप फुल HD तक ही प्रीव्यू अच्छे से ले सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लैग करता है। अभी देख लो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको देख करके कलर ग्रेडिंग ही तो करना है। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है, अगर आपको और अच्छा प्रीव्यू चाहिए तो यहाँ पर आपको रूट पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रीव्यू रेजोल्यूशन, इस पर क्लिक करके आप इसको 100% कर लें, ये बिल्कुल रियलिस्टिक प्रीव्यू आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको FPS एंड इसका रेशियो सेलेक्ट करने को मिलेगा, आप जो चाहो सेलेक्ट कर लो। अभी आपको एडिटिंग स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है यहाँ पर जहाँ मैंने किया है। और आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आएगा इससे कि मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक्चुअली। अब जो फर्स्ट में आपको टूल मिलता है वो मिलता है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ से आप अपने वीडियो को जूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो एंड पोजिशन को चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो बहुत ही अच्छे से परफेक्टली शूट किया गया है और आईफोन से शूट किया तो आप जानते हो उसका क्वालिटी। बाकी बात हमें क्या करना है, अभी इसको एडिट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टूल्स, और एक टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स है गाइस, ऐसा नहीं कि इतना ही है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ऐसे स्टोर पर बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं बट अभी आपको कलर ग्रेडिंग में इसका कोई भी यूज नहीं है। आपको ट्रैकर में बहुत सारा ट्रैकर मिलेगा, मोशन ट्रैकर एंड स्टेबलाइजेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर मास्क में बहुत ही सारा मास्क मिलेगा जो कि प्रीमियर प्रो में मिलता है, और कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें। अभी आपको बैक आना है, देन यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर CC दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख लो कलर ग्रेडिंग के लिए कितने सारे टूल्स दिए गए हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स है। और मैं आपको बता दूँ कि नोट वीडियो एक रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें आपको सारा कुछ मैनुअली करना है, कोई भी प्रीसेट बना बनाया आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको कलर ग्रेडिंग पर क्लिक करना है सिंपली, क्योंकि हमें कलर को ग्रेड करना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर व्हील दिख जाएगा, कलर व्हील, UVSU, UVS सैचुरेशन, UVS ल्यूमिनस, जो कि आपको प्रीमियर प्रो में देखने को मिलता है। HD सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमको फर्स्ट में कलर ग्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर देना, फर्स्ट में आपको क्या करना है, आना वाइट बैलेंस पर। देन यहाँ पर आपको टेम्परेचर टिंट थोड़ा सा चेंज करके देखना है अगर आपको करना हो तो, अदरवाइज रहने देना। तो मैं थोड़ा टेम्परेचर चेंज करके देख रहा हूँ अभी, तो मैंने थोड़ा सा माइनस किया, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा ही किया और टिंट मेरा सही है। अभी मैं ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ नहीं, वीडियो परफेक्टली रिकॉर्डेड है। अभी मैं आता हूँ टोन पर, टोन में थोड़ा सा आप चेंजेस कर सकते हो चाहो तो। अब यहाँ से अगर आपका लाइट कम है तो एक्सपोजर को इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप ह्यू चेंज कर सकते हो, सेचुरेशन इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, तो सेचुरेशन भी सही है तो मैं इतना ही रखता हूँ। कॉन्ट्रास्ट यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बिकॉज मोबाइल में डिजिटल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ही कर देता है। अभी मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर आपको चैनल मिक्सर मिलता है, इसका अभी काम नहीं उतना खास, तो मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पर आपको कलर व्हील पे काम करना है, तो यहाँ पर देख लो आपको जैसा टोन चाहिए वैसा आपको करना है यहाँ पर। तो मैं अभी आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ जो मुझे चाहिए वो करके, ऐसा नहीं होगा कि मैं जो करूँ प्रोसेस आप करोगे तो डिटो आपका भी ऐसा क्वालिटी आएगा, नहीं आएगा। आपको भी अच्छे से करके देखना है, जो आपकी वीडियो में अच्छा लगे वही आपको सेट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट में बताता हूँ कि आपको फर्स्ट में जो कलर सेलेक्ट करना है शैडो का, उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप लिफ्ट, गामा एंड गेन दिख रहा है, बट फर्स्ट में जो दिख रहा है उसे आप शैडो बोल सकते हो, मिड वाले को मिड टोन बोल सकते हो, और जो लास्ट में उसे हाईलाइट बोल सकते हो, मतलब समझ सकते हो वही चीज़ है सेम टू सेम। अभी आपको आना शैडो पे या आने लिफ्ट पे, तो लिफ्ट में थोड़ा सा कलर में ब्लू की ओर रखूँगा कुछ ऐसे, और जो यहाँ पर दिख रहा है एक स्लाइडर, इससे आप इसका ल्यूमिनस कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मुझे नहीं करना है अभी।
अभी आते हैं गामा पे, यह है मिड टोन आपका। तो मिड टोन पे मैं थोड़ा सा ऐसा रख देता हूँ। अभी आना है आपको हाईलाइट पे, तो हाईलाइट का थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बढ़ाऊँगा बिकॉज मुझे वार्म टोन चाहिए अपनी वीडियो पे। तो मैंने ऐसा कर लिया। अभी आपको आना है ह्यू वीएसयू पर। अभी यहाँ पर इसका क्या काम है, आप HSL तो जानते होंगे जो कि नॉर्मल से वीडियो एडिटर में दिया हुआ होता है, बिकॉज उसमें आप मैनुअली तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो ज़्यादा बेसिक चीज़ होता है, लेकिन उसमें आपको एडवांस चीज़ मिलता है। बट आपको अभी शुरू में ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट आप अच्छे से कर लोगे करते करते। तो फर्स्ट में आपको ऐसे डॉट्स लगा देने हैं, आपको तीन डॉट्स ऐसे लगाने के बाद फिर से आपको बीच में एक एक डॉट्स लगा देने हैं। अब कुछ ऐसा आपने कर लिया, अभी आप जितना यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हो समझ लो वही HSL टूल है। अभी आपको क्या करना है, किसी का कलर चेंज करना है। तो आप मान लो ग्रीन का मैं कलर चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर 2-3 नंबर को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाऊँगा। तो मैं 3 नंबर पर पहले आता हूँ, इसको देखिए मैं कम कर रहा हूँ तो ये रेड की ओर जा रहा है, मतलब येलो हो रहा है, और ऊपर कर रहा हूँ तो ब्लू हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ येलो की ओर। अभी देखिए 2 नंबर में बहुत ही अच्छे से काम करेगा, तो 2 नंबर को मैं कम करता हूँ, देखिए बिल्कुल रेड एंड ज़्यादा ही कुछ कर दिया अलग कलर, और ऊपर करना होता बिल्कुल ब्लू हो जा रहा है। बट मुझे ब्लू नहीं करना है और रेड भी नहीं करना है, थोड़ा सा मैं इसको वार्म टोन मिलाऊंगा कुछ ऐसा, और यही मुझे सही लग रहा था। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, एंड आपका सारा कुछ हट जाएगा। अभी यहाँ पर आपको सिनेमेटिक टोन देने के लिए सिंपली प्लस पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर फिर से CC पर आना है, देन इस बार आपको RGB कर्व को सिलेक्ट करना है। RGB कर्व कुछ ऐसा आप समझ लो कर्व ही है, ठीक है, मतलब कर्व ही है, कर्व का सारा काम यहाँ पर है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे डॉट्स फिर से लगाना है जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ। एंड अगर आप कभी भी कर्व को यूज किए हो तो आपको पता होगा कि कर्व कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जो फर्स्ट में आपको प्रोसेस करना है, आपको सबसे फर्स्ट वाले को थोड़ा सा डाउन कर देना है, इससे आपका हाईलाइट कंट्रोल हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, मीड वाले को, मतलब जो 3 नंबर में दिख रहा है डॉट, उसको थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा, इससे थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट हमारा इन्हेंस होगा, ज़्यादा नहीं कम करना है। अभी जो फर्स्ट नंबर में दिख रहा है डॉट, उसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा, इससे भी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मैनेज होगा मेरा, मतलब अच्छा होगा। अभी आपको जो 0 नंबर दिख रहा है, मतलब फर्स्ट में जो दिख रहा है, उसको ऊपर की ओर ले जाना है, इससे हमारी वीडियो में फेड इफेक्ट ऐड होता है जो कि मूवी स्टाइल हमारी वीडियो को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर आप देख लो कुछ ऐसा भी लग रहा है, तो यहाँ से आप कुछ भी और भी चेंजेस कर सकते हो जो आप चाहो। तो कुछ ऐसा भी लग रहा है, अगर आपको कुछ और फोल्ड लग रहा है यहाँ पर, कुछ और चेंजेस करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। कुछ ऐसे करके आप अपने वीडियो का कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, और भी ज़्यादा आपको चेंजेस करना है तो बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अगला वीडियो आपको किसके रिलेटेड चाहिए वो भी आप कमेंट कर दो, ताकि मैं एक परस्पेक्टिव वीडियो आपके रिलेटेड बना सकूं जो आपको पसंद है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है,